मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं विद्युत धारा का थोड़ा और पार्ट जो बच गया था वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, विद्युत धारा की दिशा, चालक में विद्युत धारा किस प्रकार प्रवाहित होती है और क्यों प्रवाहित होती है ये पढ़ेंगे, ओम का नियम डिस्कस करेंगे, और प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं हम विद्युत धारा से। देखो विद्युत धारा मैंने बताया था, विद्युत धारा का मतलब होता है किसी चालक से आवेश का प्रवाहित होना। मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें अगर आवेश प्रवाहित होता है, आवेश मतलब आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, तो अगर इस चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो इसके प्रवाहित होने को बोला जाता है विद्युत धारा। लेकिन अगर हम बताना चाहें कि विद्युत धारा कितनी है तो उस ये तो पता चल गया कि आवेश का बहना विद्युत धारा है, लेकिन अगर हम उसका आकलन करना चाहिए मतलब कितनी विद्युत धारा है तो उस समय हमें आवेश समय के साथ निकालना पड़ेगा कि कितने समय में कितना आवेश गया है, तो क्योंकि उसी से आएगा कि विद्युत धारा कितनी है। तो I मतलब विद्युत धारा बराबर होता है क्यू बटे टी, इसलिए विद्युत धारा को हम कहते हैं आवेश के बहने की दर। ठीक है, अगर हम उसको मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं विद्युत धारा का, वैसे तो विद्युत धारा होगी कि आवेश का बहना, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कितना कितनी विद्युत धारा है तो हमें इसको टाइम के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। तो सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा का आई बराबर है क्यू बटे टी। ठीक है, आई मतलब विद्युत धारा और इसका सूत्र मैंने बताया था एम्पियर। ठीक है, अभी एक एम्पियर की परिभाषा मैं बता चुका हूँ, इसका छोटा एक मात्रक भी होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका छोटा मात्रक भी होता है मिली एम्पियर, उसको एम ऐसे लिख दे मिली एम्पियर। ठीक है भाई, मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10^-3 एम्पियर। ठीक है, मतलब एक एम्पियर का 1000वां हिस्सा 1 मिली एम्पियर होता है, या सीधा हम ये कहें 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 1/1000 एम्पियर। ठीक है, ये लिए समान ही है। ये मात्रक है, छोटा मात्रक है किसका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एक और छोटा मात्रक होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। इसमें क्या होएगा, माइक्रो को इस सिंबल से दिखाते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 1/1 लाख। ठीक है भाई, या ये 10^-6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10^-6 एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर ये विद्युत धारा के छोटे मात्रक होते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा भाई विद्युत धारा, ये मात्रक बच गए थे तो इसलिए मैंने बताया है। उसके बाद आता है विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। देखो मान लो ये चालक है, इस चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ए से बी तक अगर विद्युत धारा जाती है, विद्युत धारा का मतलब क्या था, आवेश जाता है, तो इसमें अगर आवेश जाएगा, आवेश कब जाता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, जब इनके दो बिंदुओं के बीच कोई ना कोई विभवांतर होता है मतलब विभव में अंतर होता है, इसका विभव कुछ हो रहा है, इसका विभव कुछ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच विभवांतर होगा कोई ना कोई, उस विभवांतर के कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। लेकिन ये तो एक चालक है, इसमें तो करंट ऐसे तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके दो सिरों के बीच में विभवांतर है नहीं, तो हमें इसको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, किसी न किसी सेल के साथ या बैटरी के साथ जोड़ देंगे। सेल एक है, एक और इसके साथ दूसरा सेल जुड़ेगा तो बैटरी बन गई, ये दो सेल की बैटरी है, एक और जोड़ देंगे तो बन जाएगा दो सेल की बैटरी, 3 सेल की बैटरी। ठीक है, याद रखना ये माइनस वाला प्लस से जुड़ा होना चाहिए, तो ये 3 सेल की बैटरी इसके साथ जोड़ेंगे। अब ये बैटरी क्या करेगी, बैटरी या सेल, सेल के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण इसके दो सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब इसके जो दो सिरे हैं ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो इसके दो सिरे जो होंगे बैटरी के या सेल के,
उस सेल के अंदर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया चलती है, उस रासायनिक अभिक्रिया से इसके दो बिंदुओं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ का विभव कुछ और होगा, यहाँ का विभव कुछ और होगा, तो जिसके कारण विभव में अंतर आएगा। तो यहां से कोई चीज, ये यहां से कोई चीज निकल के यहां जाने की कोशिश करेगी, ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में कि यहां कोई चीज अधिक है, यहां चीज कोई कम है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को किसी तरीके से जोड़ दें, जैसे हमने इनको जोड़ दिया इस चालक के साथ, तो इसका जो विभव का अंतर था, मतलब ये धक्का देगा, विभव में अंतर होने के कारण इस जगह से दूसरी जगह आवेश को ये धक्का देगा, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश होता है, तो ये जो विभव का अंतर होगा वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा, धक्का दे देगा, जिसके कारण इसमें आप इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब क्या है? आवेश का चलना, और आवेश के चलने का मतलब होता है विद्युत धारा। तो अगर हम किसी चालक में निरंतर विद्युत धारा का प्रवाहित करना चाहते हैं तो हमें उसको जोड़ना पड़ेगा किसी सेल या बैटरी से, क्योंकि सेल या बैटरी के दो सिरों के बीच विभवांतर होता है और उस विभवांतर के कारण ही उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों को पुश मिलता है, धक्का मिलता है चलने के लिए। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो चालक में होते ही है, क्योंकि चालक जो होता है वो किसी न किसी धातु से बना होता है या फिर मिश्र धातु का बना होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन वैसे होते हैं, लेकिन उनको धक्का दे दिया जाएगा किसके द्वारा? किसी सेल या बैटरी के द्वारा। अब विद्युत धारा की दिशा हम लेते हैं प्लस से माइनस की तरफ, मतलब प्लस वाले, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसा क्यों लेते हैं? देखो, हमें आवेश का पता चल गया था इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले, मतलब आवेश, जैसे ये रगड़ द्वारा आवेश उत्पन्न होता है, इन चीजों का पता इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही पता चल गया था। उस समय पॉजिटिव जो आवेश था, मतलब धन आवेश की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मान लिया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि धन आवेश कोई, मतलब धन आवेश कुछ है ही नहीं, हकीकत में जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वास्तव में चलते इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टार्टिंग में पहले से हमने धन आवेश की दिशा को विद्युत धारा की दिशा मान लिया था, तो वही कंसेप्ट को मान लिया, मतलब उसी को एक्सेप्ट कर लिया, और आज तक वही चल रहा है कि विद्युत धारा को प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी होती है, इधर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की तरफ, जबकि विद्युत धारा की दिशा मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। ये बात याद रखना। ठीक है भाई, अब आता है चालक में विद्युत धारा, मतलब ये कोई चालक है, चालक के अंदर की बनावट अगर हम देखें, जैसे ये चालक है, इसके अंदर की बनावट देखें, ये चालक की मोटाई है कितनी, इस चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते हैं क्योंकि ये धातु का बना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इनकी दिशा इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी, ऐसे भी हो सकते हैं, इनकी डायरेक्शन इधर उधर होती है। कब? जब इन इसके दो सिरों के बीच विभवांतर नहीं है, मतलब अभी ये किसी बैटरी या सेल से नहीं जुड़ा हुआ, तो उस समय इसके इलेक्ट्रॉनों की दिशा किसी कोई भी हो सकती है, मतलब इधर उधर किसी भी दिशा में ये मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको, इस चालक को जोड़ देंगे कहाँ पे, किसी बैटरी के साथ, ये जोड़ दिया हमने किसी सेल के साथ या बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या होगा, अब इन इलेक्ट्रॉनों को एक पुश मिल जाएगा, धक्का मिल जाएगा, और धक्का मिलते ही क्या होगा, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब की डायरेक्शन बदल जाएगी, मतलब एक डायरेक्शन हो जाएगी भाई, इस प्रकार ऐसे सीधे हो जाएंगे, एक ही दिशा में मूव करना शुरू कर देंगे, इस प्रकार से ये जितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें सारे एक दिशा में चलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी के दो सिरों के बीच होता है विभवांतर, और उस विभवांतर के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉनों को एक पुश मिलेगा, एक बल मिलेगा, और ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार एक चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बात याद रखना। अगर एक खाली तार ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई चालक पड़ा है धातु से बना हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं चलते, वो चलते कब है, जब उसको ऐसे दो बिंदुओं के बीच जोड़ दिया जाएगा जहां विभवांतर होता है, मतलब उन दो सिरों के बीच में कोई ना कोई विभव में अंतर होगा, तभी उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो अपने हमारे घरों में जो बिजली आती है ना, इसके भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ही होता है जहां से ये आती है।
ठीक है, तो याद रखना ये बात। अब बात आती है ओम का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। ठीक है भाई, ओम का नियम पढ़ते हैं हम। देखो अब हम ये बात जान चुके हैं क्या कि अगर विभवांतर होता है तो आवेश चलता है, मतलब विभवांतर होने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब जैसे ये चालक है, इसके दो सिरों के बीच में अगर विभवांतर होगा तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अगर विभवांतर नहीं होगा तो विद्युत धारा नहीं है। तो ओम ने क्या बताया था, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या बताया था, उसने विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताया था कि विद्युत धारा और विभवांतर का एक संबंध है। संबंध तो दिख नहीं लग रहा, दिखाई दे रहा है कि भाई जब विभवांतर होगा इसके दो बिंदुओं के बीच तभी विद्युत धारा पैदा होगी, तो सीधा संबंध है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विभवांतर के वी के। मतलब क्या, आई क्या है, विद्युत धारा, और समानुपाती है किसके, विभवांतर के। ये जो मैंने लिखा है इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा किसके, विभवांतर के समानुपाती होती है। कहने से वैसे अगर हम बोला जाए किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आएगी, ये ओम ने बताया था। इसको दूसरे तरीके से लिखूं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v समानुपाती है i के, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ठीक है, ये इक्वेशन एक है, ये समानुपाती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है, देखो अगर मैं ये कहूं कि भाई मान लो स्कूल की फीस है, फीस, स्कूल की फीस समानुपाती है किसके, स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ किसकी, स्ट्रेंथ स्टूडेंट की, स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगी तो फीस भी बढ़ जाएगी। इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है, लेकिन इस इक्वेशन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि फीस है कितनी। अगर हम फीस निकालना चाहते हैं कि फी बराबर है, फी इक्वल है, इक्वल टू का मतलब फी, इससे तो बराबर मैंने लिख दिया था, इसका मतलब इससे फीस आ जाएगी टोटल। तो इस स्ट्रेंथ को, मतलब जितने बच्चे हैं स्ट्रेंथ, इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, किसी एक बच्चे की फीस से। एक बच्चे की फीस मान लिया एक्स, और ये एक्स क्या है, फिक्स है, ये एक बच्चे की फीस है ये, तो फी बराबर होगी किसके, एक बच्चे की फीस गुणा में स्ट्रेंथ, टोटल फीस आ जाएगी। स्कूल की फी आ गई ना, ये समझ लीजिए इनकम, समझ लीजिए आप स्कूल की इनकम कह लो, इनकम। तो इनकम कितनी आ गई, एक बच्चे की फीस गुणा में टोटल स्ट्रेंथ। अब इनकम बदलेगी किसके साथ, स्ट्रेंथ के साथ। अगर स्ट्रेंथ, ये तो फिक्स रहेगी फीस, तो मान लो फिक्स है बच्चे की, अब स्ट्रेंथ अगर कम ज्यादा होगी तो इनकम भी बदल जाएगी। तो ये तो समानुपाती है, इनकम बराबर करने के लिए देखो स्ट्रेंथ को गुणा करना पड़ेगा किसके साथ, फी के साथ, मतलब एक फिक्स चीज है उसके साथ। या वैसे ही यहाँ पे भी वी बराबर है, मतलब वी को अंतर बराबर आएगा, तो किसी ने किसी स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा, वी बराबर है आर आई, और ये इसको छोड़ो, ये है पहली इक्वेशन, और ये आर यहाँ पे क्या है, आर एक स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक्स एक स्थिरांक है, फीस नहीं बदलेगी, एक्स को एक बच्चे की फीस है ये तो हमेशा एक समान ही रहेगी, बदलेगी तो स्ट्रेंथ बदलेगी। ऐसे ही जो आर है, किसी चालक के लिए जब हम ओम का नियम लागू करेंगे, जैसे इस चालक के लिए ओम का नियम लागू करेंगे, तो इसके लिए आर का मान सदैव स्थिर ही रहेगा, ये स्थिरांक है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, इसका तापमान नहीं बदलना चाहिए, एक निश्चित तापमान के ऊपर बता रहा है ये, एक निश्चित तापमान पे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दो सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, ये बात याद रखना। तो आर क्या है, स्थिरांक, और आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं भाई प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। तो इस सूत्र से हम ये भी निकाल सकते हैं कि V बराबर I R आ गया या R I आ गया, तो यहां से हम I का मान निकाल सकते हैं, I देखो I, तो R नीचे चला जाएगा, V बटे R, ये निकल गया I। तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आया, इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि I बराबर है V बटे R, मतलब I का सीधा संबंध है किसके साथ, V के साथ। V क्या, विभवांतर।
तो समानुपाती है किसके साथ है, V के साथ। मतलब अगर विभवांतर बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, मतलब विद्युत धारा बढ़ जाएगी। लेकिन ये नीचे R तो बटे में लिखा हुआ है, इसका मतलब I व्युत्क्रमानुपाती है किसके साथ, प्रतिरोध के साथ। तो मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। इस सूत्र से हमें ये बात समझ में आती है कि विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। बात याद रखना, ठीक है भाई, ये हो गया है। अब इससे एक चीज और समझ में आई है, इससे अगर हम R का मान निकाले, R बराबर है V बटे I, R बराबर है V बटे I, और R क्या है, प्रतिरोध। इसका ये सूत्र है, R का मात्रक होता है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम इसका सिंबल होता है प्रतीक, इसको ऐसे लिखते हैं ओम, ठीक है। अब प्रतिरोध का मतलब क्या है, देखो जब हम इसके दो बिंदुओं के बीच कोई विभवांतर पैदा करते हैं, जब इसमें से आवेश चलेगा, या ये कह लो कि ये इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब वो चलेगा तो रास्ते में जब वो चलता है तो उस बीच में दूसरे परमाणु भी आते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ी बहुत रुकावट फील होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन चालक में चलते हैं तो उनको थोड़ी बहुत इसमें रुकावट फील होती है, तो उस रुकावट को ही बोला जाता है प्रतिरोध, ठीक है भाई। जो किसी चालक में चलते हुए जो विद्युत धारा में रुकावट या अवरोध पैदा होता है उसको बोला जाएगा प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये होगा इसका प्रतीक और ये होगा इसका सूत्र, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। अब ये तो होगा भाई ओम का नियम। अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन है, कौन से, जैसे एक क्वेश्चन है ये रहा, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। दो एक चालक है ऐसे, इसके दो सिरों के बीच विभवांतर दे दिया, ए और बी दो सिरे हैं, इसके दो सिरों के बीच विभवांतर दे दिया, V बराबर है कितना, 0.1 वोल्ट, ठीक है। कहता है विद्युत धारा है इसमें कितनी, I दे दिया 2 एम्पियर। अब क्या कह रहा है कि प्रतिरोध ज्ञात करो, प्रतिरोध हमें पता सूत्र V बराबर है IR, ये सूत्र पता है हमें, निकालना R प्रतिरोध, ठीक। अब V दे रखा 0.1 बराबर I दे रखा 2 गुना R, R निकालना है, तो R बराबर है 0.1 बटे 2, ये आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा भी 0.05 ओम, ये आ गया प्रतिरोध, ठीक है। अब दूसरा निकालें, जैसे 24 वोल्ट की बैटरी परिपथ में जुड़ी है तथा 60 ओम का प्रतिरोध, वोल्टेज दे रखी है अभी 24 वोल्ट, ठीक है, और प्रतिरोध दे रखा कितना 60 ओम, तो विद्युत धारा आई ज्ञात करना है, आई बराबर होता है V बटे R, V का मान कितना है 24 बटे 60, काटो इसको 6 10 6 चौका 24, 2 2 4 2 5 10, तो 2/5 0.4, ठीक है, ये होगा एम्पियर यानी विद्युत धारा, ठीक है, ये होगा भाई। इस तरह से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है, याद रखना। एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि देखो किसी चालक में विद्युत धारा है 0.25 एम्पियर और वो 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, 20 मिनट तक किसी चालक में विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हुई, कितनी विद्युत धारा 0.25 एम्पियर, तो उसमें आवेश कितना होगा, हमें पता है I बराबर होता है Q बटे T, लेकिन याद रखना T जो होता है वो सेकंड में होता है, यहाँ T दे रखा है इसमें मिनट में, तो Q निकालना है, Q के लिए I गुना T, I कितना 0.25 और T कितना, टाइम कितना 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 20 गुना में 60 ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 0 6 12 और 12 5 60 6 और 12 24 6 30 ये होगा मतलब 300
कूलाम, 300 कूलाम ये आ गया, क्या आ गया ये आवेश किसी चालक के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थे आज के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। और भी है प्रतिरोध के बारे में बहुत कुछ है, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज जो किया हमने वो आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना या फिर कमेंट कर देना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।